हाय गाइस, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज जो है कि हम वेल्डिंग मशीन का पार्ट टू लेके आए हैं और आज हम दिखाने वाले हैं कि कैसे वेल्डिंग किया जाता है, क्या क्या करना है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको कपड़े पुराने पहन लेने हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं रेगुलर, क्योंकि अगर इसका वेल्डिंग का कोई भी छींटा जाएगा तो आपका कपड़ा जल सकता है। और जो है कि इसको देखते हुए आप पहले कपड़ा कोई भी पहन लीजिए, सिंपल सा पुराना जो हो, जो जल भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। जलने का मतलब इसमें छोटा छोटा छेद हो जाता है। तो मैं अब आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ आगे क्या करना है। हम मशीन सेट कर चुके हैं, इसमें करंट दे चुके हैं और इसके साथ कुछ उपकरण हैं जो कि चाहिए ही चाहिए। जैसे ये इंची टेप है, तो टेप हमें चाहिए क्योंकि कुछ भी नापना काटना वटना होगा नाप के, तो ये टेप का ज़रूरत हमें पड़ने वाला है, तो टेप भी हम रखे हैं। और उसके बाद हमें ग्राइंडर मशीन का ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि लोहे का काम करेंगे तो आपको कुछ काटना पीटना पड़ेगा, तो ग्राइंडर मशीन भी आपको रखना पड़ेगा। अगर आप रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं, नहीं तो आप जिस तरीके से काटना चाहते हैं उस तरीके से आप काट सकते हैं। और ये देखिए राजदीप कंपनी का रॉड है, ये 10 नंबर का रॉड है इलेक्ट्रिक रॉड, तो इसी से हम वेल्डिंग करते हैं। तो जो है कि हमारा रॉड हुआ और ये जो है कि हमारा दो होल्डर है, आप जानते ही हैं होल्डर के बारे में। तो मैं होल्डर को अब जो है कि लगाने वाला हूँ। ये देखिए ये माइनस होल्डर है जिसमें चिमटा लगा हुआ है, और जो है कि माइनस होल्डर है, तो होल्डर को अब हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए माइनस के होल में इसको हम लगा देंगे। ये देखिए हमारा माइनस में लग गया, और ये इनको चिमटा माइनस में लगाना है, ध्यान रखना है चिमटे को माइनस में लगाना है। और जो है कि हमें प्लस में वेल्डिंग का टर्मिनल लगाना है, ये जिसमें हम लाड लगाएंगे उसको हमको प्लस में लगाना है। तो जो है कि हम इसको प्लस में लगाएंगे, तो इसको हम फिट कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा प्लस में लग चुका है और ये हमारा माइनस है। तो हम अब जो है कि इस हसीए को यहाँ देखिए, हसीए में यहाँ पीछे निकला हुआ है, इसको वेल्डिंग करना है, उसका छेद बंद करना है। तो हम वेल्डिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो जो है कि ये देखिए हम हसिया को पहले बंद करा लेते हैं, और ये देखिए हमारा हसिया आउट हो चुका है। तो आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो है कि अगर ये देखिए मशीन एक्टिवेट हो या ना हो, इसमें करंट नहीं आने वाला, इसको इसमें भी करंट नहीं आने वाला है। आप दोनों को साथ में छुएंगे तब भी करंट नहीं आएगा। तो ये देखिए मैं मशीन एक्टिवेट कर देता हूँ, मशीन हमारा एक्टिवेट हो चुका है और यहाँ रीडिंग आ चुकी है मशीन की। तो ये हसिया हम पकड़े हुए भी हैं, अर्थिंग भी दे रहे हैं, तो भी इसमें कोई करंट नहीं लगने वाला है। इसका ये मुख्य है कि इसमें करंट आपको नहीं लगेगा, तो ये गारंटी के साथ मैं उस वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो में भी मैं आपको टच करके डेमो दिखा दे रहा हूँ, और इसको भी साथ में टच कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसको अब हम हसिए को रख लेते हैं। और जो है कि ये देखिए इसका सेटिंग है, और इसका सेटिंग कुछ इस प्रकार से किया जाता है, जैसे अगर इसको हम कम करेंगे तो यहाँ 170 से कम होता जाएगा, और बेसी करेंगे तो बेसी होगा। तो ये हमारी ARC 200 मशीन है, तो ये 200 पावर तक जाती है, तो ये राड गलाने की क्षमता है। 170 पर हमारा 10 नंबर राड गल जाता है। तो मेरे पास एक छोटा टुकड़ा राड का है, तो हम कम वेल्डिंग करना है तो हम इससे वेल्डिंग करने वाले हैं। और ये देखिए हम राड लगा के फिट कर चुके हैं। और वेल्डिंग करने से पहले दो चीज़ों की एकदम सख्त आवश्यकता है, एक आपको चश्मे की आवश्यकता है आँखों की सेफ्टी के लिए, और दूसरी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है ये वेल्डिंग हेलमेट की। तो आप बिना हेलमेट के वेल्डिंग ना करिएगा, क्योंकि आपकी आंखें चमक सकती हैं और थोड़ा देखने उखने में परेशानी आ सकती है, आँख से आंसू गिरने लगता है, ऐसा परेशानी देखा गया है। तो मैं अब हसीए को वेल्डिंग करने वाला हूँ, तो मैं हसीए को थोड़ा पीछे दे देता हूँ और मैं वेल्डिंग करने वाला हूँ अब। ये देखिए, और इसको हमें ध्यान रखना है कि स्पार्क करवाना है, हम स्पार्क करवाएंगे। ये देखिए हमारा इधर, और ये देखिए अब हम इसको वेल्डिंग करने वाले हैं। ये देखिए हमारा हसिया वेल्डिंग हो चुका है, और जो है कि ये देखिए एकदम फिट हो चुका है, लाल है। तो हमें इसको ध्यान में रखना है कि इसको छूना नहीं है हाथों से, और जो भी समस्या है उसको चिमटे से या किसी अन्य चीज़ों से निपटाना है। तो ये हमारा हसिया वेल्डिंग हो चुका है, तो हम इसको और अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए
ये देखिए हमारा हसिया एकदम बिल्कुल वेल्डिंग हो चुका है और देखिए कितना हीट है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसको हाथ से नहीं छूना है। और अगर आपको इसको ठंडा करना है तो आप पानी ले सकते हैं और पानी में इसको डुबो सकते हैं। तो अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैंने मशीन को चला के दिखा दिया आपको डेमो, तो जो है कि हमारे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक जो है कि आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।